उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ ऐसा ही हाल लखीमपुर खीरी में भी देखने को मिला, जहां पिछले 36 घंटों से हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिससे रेलवे ट्रैक की मिट्टी का कटान शुरू हो गया। हालात इतने बदतर हो गए कि उस रूट पर चलने वाली ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। भारी बारिश का असर लखीमपुर खीरी के कई गाँवों पर पड़ा। नदियों में पानी बढ़ने से कई गाँव में बारिश का पानी भर गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें पीलीभीत जिले से भी सामने आई। वहां पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश से रेलवे ट्रैक के नीचे बना पुल चंद सेकंड में बह गया, जिसकी वजह से रेलवे लाइन हवा में झूलती नजर आई। शारदा मुहाना समेत कई नदियों का जलस्तर बढ़ने के साथ लोगों ने सुरक्षित स्थानों की तरफ जाना शुरू कर दिया है। यही नहीं, प्रशासन भी अब एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल में महिला की पिटाई का एक और वीडियो सामने आया है, जिसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक और वीडियो इससे पहले एक और वीडियो सामने आ चुका है, और अब एक ताजा मामला सामने आया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि बंगाल में तालिबानी शासन है। बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आया। एक बार इस वीडियो को भी देख लीजिए, किस तरीके से महिला की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, बर्बरता की जा रही है, और ये अप्रिय तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा बीजेपी ने कहा टीएमसी का फुल फॉर्म है तालिबानी मुझे चाहिए, क्योंकि वहां पर इस तरीके की ही तस्वीरें सामने आ रही है। राहुल गांधी, क्या आप इस महिला से मिलने जाएंगे, ये सवाल भी पूछा गया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगाल से, जहां एक और ताजा मामला सामने आ रहा है महिला की पिटाई का। बंगाल में एक और तालिबानी वीडियो सामने आया है। इस बार चोपड़ा के बाद ये वीडियो आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि एक महिला को बेरहमी से पीटा जा रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का बहुत करीबी है। बताइए, इस प्रकार की घटना लगातार हो रही है। तालिबानी मुझे चाहिए, ये टीएमसी का मतलब बन चुका है, और टीएमसी के विधायक नेता इसको डिफेंड भी करते हैं। पहले भी चोपड़ा वाली घटना को भी किया, संदेश खाली में जो हुआ उसको भी डिफेंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश खाली पर फटकार लगाई है ममता दीदी की सरकार को। आज ममता दीदी की सरकार में मां माटी मानुष नहीं, केवल बलात्कारी बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ और बम ब्लास्ट करने वाले लोगों को बचाओ बन चुका है।